फ्रेंड्स, वेलकम टू SS एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों इसके अंदर हमने इसका पार्ट 1 जो है डिस्कस कर लिया है। आज अपने इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, दो पार्ट में ये वीडियो बनेगा, तो इसके लास्ट में पार्ट 2 के अपने इस चैप्टर के लास्ट में कुछ MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया अब तक। प्रीवियस वीडियो में जाके आप देखोगे तो हमने पढ़ लिया कि जब दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर ट्रांसफ़र होता है, पैसे का एडजस्टमेंट होता है, तो वो थ्रू सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टेट ट्रेजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांजेक्शन करेगी, तो वो उसको बाय इश्यू ऑफ चेक या DD के तौर पर करते हैं। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स सेटलमेंट, ठीक है। अगला दोस्तों, 21 नंबर पर क्या दिया गया है, ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अराइजिंग इन सेंट्रल ट्रेजरी आर सेटल्ड बाय इशू ऑफ चेक या DD। इसको भी कैश बेसिस पे हुआ है। ये आपस में ऐसी चीज़ें याद रखो दोस्तों, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है ना, तो इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो तो होंगे कैश बेसिस या DD पे, डिमांड ड्राफ्ट पे, और कुछ दोस्तों सेटलमेंट अकाउंट के जरिए सेटल होंगे, ठीक है। और सेटलमेंट अकाउंट के जरिए कौन से होंगे वो मैंने आपको बता दिया, रेलवे, पोस्ट, ठीक है, MEA के जो ट्रांसफर जो है, और इसके अंदर चौथा कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर सप्लाई का जो विभाग है इसका, ठीक है। इनके बीच के ट्रांजेक्शन जो है सेटलमेंट अकाउंट के जरिए होंगे, और दूसरा जो कैश बेसिस पे है, बाकी जो बची मिनिस्ट्रीज के उनके अंदर। अब दोस्तों, स्टेट की अपने बात करें, स्टेट ट्रेजरी की बात करें, तो स्टेट ट्रेजरी के अंदर जो इसका ट्रांजेक्शन है, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर ये सेटलमेंट अकाउंट के जरिए कर लेंगे, ठीक है। जरूरत इसमें भी पड़ेगी थ्रू RBI CS नागपुर। लेकिन दोस्तों, जब सेंट्रल स्टेट ट्रेजरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई विभाग के साथ कार्रवाई करेगी या ट्रांजेक्शन करेगी, सेटलमेंट करेगी, तो उसको दोस्तों ये कैश बेसिस पे होगा, चेक और DD के द्वारा, ठीक है। अब ये देखो अगली लाइन में क्या बोला गया, ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अराइजिंग इन द सेंट्रल ट्रेजरी। दोस्तों, सेंटर के पास भी बैंक हैं कुछ, तो मान लो जहाँ पे बैंक नहीं है सेंटर के, तो वहाँ पे सेंटर ने भी कुछ ट्रेजरी खोल रखी है, तो उस ट्रेजरी के अंदर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ट्रांजेक्शन करनी होगी, ठीक है, पैसे का लेन देन होगा, तो वो थ्रू चेक और थ्रू DD किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा, तो इस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन मैं और करवाऊंगा आपको, ठीक है। दोस्तों, आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए 22 नंबर का D नंबर पैरा जो है, ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशंस फॉर डिफेंस रिसिप्ट एंड चार्जेस आर प्रिपेयर्ड बाय द EDP सेक्शन ऑफ द CGDA दिल्ली कैंट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, CGDA ऑफिस जो है, जिसको आप DAD हेडक्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए आप ये बात, DAD का जो हेडक्वार्टर ऑफिस जो है वहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे इसके सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, PCDA, CDA, रीजनल कंट्रोलर, फंक्शनल कंट्रोलर वगैरह वगैरह, बहुत तमाम तरीके के ऑफिस हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो अपना डेटा भेजते हैं, ऐसे सारे जो है अकाउंट हैं जो हैं, ये ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो साइंस स्टूडेंट होगा उनको पता होगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी दोस्तों ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है, या पेड़ पौधों की जड़ें मान लो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, तो ज़मीन से पानी खींचती है और दोस्तों पूरा जो है तना पोषित हो जाता है, पूरा पेड़ पोषित हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे पानी चढ़ के। तो यही है कि सारे जो ब्रांचेज जो हैं DAD की, अकाउंट्स की, DAD के सारी फॉर्मेशन की, वो सारी दोस्तों डेटा इकट्ठा करके अपने अपने लेवल पे सारा डेटा जो है DAD हेडक्वार्टर की ओर मूव कर देगी, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों इसका जो EDP सेक्शन जो है, वो दोस्तों कंप्यूटर वाला सेक्शन जो होता है EDP सेक्शन, वहाँ पे जो है ये सारा जो डेटा आया है उसको बोलते हैं, उसको कंपाइल करेगी, कंपाइल करके, कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन मतलब एक साथ इकट्ठा करके उसको कंपाइल करना, ठीक है, किसका, डिफेंस रिसिप्ट एंड चार्जेस का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, द ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन फॉर डिफेंस रिसिप्ट एंड चार्जेस आर प्रिपेयर्ड बाय विच सेक्शन ऑफ CGDA दिल्ली कैंट, देन EDP सेक्शन, या सीधा यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर द EDP सेक्शन ऑफ द CGDA दिल्ली कैंट, राइट। इसके बाद चलिए दोस्तों, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिफेंस ट्रांजेक्शन, जो डिफेंस की ट्रांजेक्शन हैं इनका सेटलमेंट का मोड कैसा रहेगा, वेदर कैश बेसिस, वेदर सेटलमेंट अकाउंट। दोस्तों, ये चीज़ें अपने पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, आज फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर में एक बार और आएगी, ठीक है। तो लास्ट में मैं इनको पूरा कंपाइल कर दूंगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप वीडियो देखते चले जाइए, ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे हम सॉर्ट करते चले जाएंगे, राइट। एक बार थोड़ी सी आपकी समझ बन जाएगी तो चीज़ें और बाद में सॉर्ट हो जाएगी। तो इसका अंदर देखिए दोस्तों, पैरा नंबर 23 का जो एक क्या बोल रहा है, ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग इन द डिफेंस बुक्स, ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग इन द डिफेंस बुक्स, इसका सब क्लोज ये है, ऑल ट्रांजेक्शन विच आर एडजस्टेबल अगेंस्ट द बैलेंसेज ऑफ द, इसके बाद सीधा इसको पढ़ो, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग इन द डिफेंस बुक्स विच आर एडजस्टेबल अगेंस्ट द बैलेंसेज ऑफ द रेलवे, पोस्ट, सप्लाई और वाइस वर्सा आर पास्ड ऑन टू अकाउंट्स ऑफिसर्स कंसर्न्ड थ्रू सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेटलमेंट होगा इन मिनिस्ट्री से जो लेन देन होगा डिफेंस का, दोस्तों ये टॉपिक जो है डिफेंस ट्रांजेक्शंस का है, इससे पहले जो पढ़ा था उसके अंदर MEA इंक्लूड कर लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और इन चारों डिपार्टमेंट के आपस के लेन देन की बात की गई थी, ठीक है। दोस्तों, बारीक सा फर्क है, बहुत बारीक फर्क है, आप एक जनरल इसको जब रीड करोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसके अंदर रेलवे, पोस्ट, सप्लाई का डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, और MEA लिया हुआ था, इसके अंदर वाशिंगटन, ILAC, इनवार्ड लंदन अकाउंट करंट, ठीक है, वाशिंगटन वाला लिया हुआ था, तो
ठीक है, वहाँ से वो चीज़ें आएगी। तो उसका दोस्तों ये चारों जो उनका आपस में ट्रांजेक्शन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर डिफेंस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, या तो डिफेंस ट्रांजेक्शन इनसे हो, मतलब आपस में उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है। वाइस वर्सा का मतलब बोथ साइड वे ऐसे, ठीक है, इन तीनों से डिफेंस की तरफ भी और डिफेंस से इन तीनों की तरफ भी। तो वो पास्ट होती है दोस्तों अकाउंट्स ऑफिसर्स कंसर्न थ्रू सेटलमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो मॉनेटरी सेटलमेंट जो है वो PCDA CDA करता है थ्रू CSRBI नागपुर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, रेलवे पोस्ट और सप्लाई के साथ जो डिफेंस की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसी PCDA CDA कंसर्न में ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो PCDA CDA जो है दोस्तों थ्रू RBI CS नागपुर के द्वारा इनका सेटलमेंट अकाउंट कर देगा। सेटलमेंट अकाउंट का मतलब यही है, ये चार खाते हैं, ये डिफेंस का है, रेलवे का है, ये पोस्ट का है और ये सप्लाई का है। दोस्तों आपको जो लैंग्वेज है वो भी याद रखनी है डिस्क्रिप्टिव के लिए, और कंसेप्ट तो आपको याद रखनी है। MCQ आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, डिफेंस रेलवे पोस्ट सप्लाई, ये चार बॉक्स दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स, डिफेंस रेलवे पोस्टल और सप्लाई, इनके बीच के जो आपस में ट्रांजेक्शन होंगे कैसे भी बोल दो, वेदर ऐसे ऐसे आपस में इन दोनों का, ठीक है, डिफेंस का इन तीनों के साथ, ठीक है, तो ये आपस में होंगे सेटलमेंट अकाउंट के जरिए। ठीक है, अब एक इसके अंदर एक बॉक्स MEA का जोड़ दो तो इन चारों के पर्सनल जो है वो आपस में सेटलमेंट अकाउंट के जरिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों बातें? देखिए दोस्तों एक बार दोबारा सुनिए, ये पांच बॉक्स हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये डिफेंस का बॉक्स है, ये रेलवे का, ये पोस्ट का, और ये सप्लाई का कॉमर्स वाला, और ये MEA का। ठीक है दोस्तों, इन चारों की बात करेगा आपस में अंदर तो ये सेटलमेंट अकाउंट के जरिए होगी। ठीक है, MEA को हटा दो, इन चारों के डिफेंस से इन तीनों का लेन देन जो होगा वो होगा सेटलमेंट अकाउंट के जरिए। ठीक है, अब आपसे पूछ ले दोस्तों डिफेंस का MEA के साथ कैसा होगा, तो ये बात अभी तक नहीं लिखी गई है इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है कैश बेसिस पे होगा, DD के जरिए होगा, चेक के जरिए होगा, ये बात लिखी गई है। ठीक है, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे होगा ये बात इसमें अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आगे मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। राइट, तो ये होगा RBI CS नागपुर का, होता कैसे है, एक का खाता डेबिट करके दूसरे का क्रेडिट कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट, आगे चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, दो PCDA CDA के बीच की ट्रांजेक्शन कैसे होगी, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए। ठीक है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जो है बनता है, एक CDA ये है, एक CDA ये है, एक PCDA सदर्न कमांड है, एक PCDA साउथ वेस्टर्न कमांड है। ठीक है, तो इनके बीच की जो ट्रांजेक्शन है वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट ऑपरेट करना पड़ता है। राइट, आगे देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफेंस सर्विसेज एंड अदर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज और अदर मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऑन कैश बेसिस बाय इशू ऑफ चेक। ठीक है, होगा, लेकिन अभी अपनों ने पढ़ा था डिफेंस सर्विसेज की रेलवे पोस्ट और सप्लाई के साथ कैसे करता है दोस्तों, ये सेटलमेंट अकाउंट करता है। ठीक है, तो क्या इस लाइन का मतलब हम ऐसे निकालें, MEA के साथ करेगा तो कैश बेसिस पे करेगा? दोस्तों बहुत बारीक बात है, कोई नहीं बताएगा आपको ये। ठीक है, ना आपको समझ में आएगी एक बार दो बार पांच बार बुक पढ़ोगे जब। दोस्तों क्या है कि रेलवे पोस्टल और सप्लाई और MEA आपस में करेंगे तो सेटलमेंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे MEA को एक्सक्लूड कर दिया गया है डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि हमारा दोस्तों इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है MEA से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। राइट, इनके साथ हमारे बल्क में ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए इनका सेटलमेंट अकाउंट के जरिए हम करते हैं। आगे चलिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफेंस सर्विसेज एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी या इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स, एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिकवरी करते हैं। ठीक है, आपको ये लाइन सीधी याद रखनी है। नॉन गवर्नमेंट बॉडी मतलब कोई प्राइवेट बॉडी हो गई, नॉन गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है, गवर्नमेंट बॉडी है, और जो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी, कोई इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल है, उसको आप एक्चुअल में पैसा दे सकते हो। ठीक है, मान लो आपको स्टेशनरी खरीदनी है ऑफिस के लिए, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट बॉडी से ही तो खरीदोगे, दुकान से खरीद के ला रहे हो, सप्लायर से खरीद के ला रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल रिकवरी होगी, उसको एक्चुअल पे पैसे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो उसको एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल रिकवरी मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, होता चेक के जरिए है, या आजकल ऑनलाइन है CMP, तो CMP के जरिए कर दोगे। राइट, आगे चलिए दोस्तों, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आर फाइनली अकाउंटेड टू द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बाय द DAD PCDA BR। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो BRO से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है इसके साथ हमारा अलग ही सीन चलता है BRO के साथ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, BRO का अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स हमने मेंटेन किया, जो रिसिप्ट ट्रांजेक्शन जो है, जो भी एडजस्टमेंट है, वो हम फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको MOTAH बोल सकते हो, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू BRO, ये जो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो है बनाता तो हमारा PCDA BR है, PCDA बॉर्डर रोड है DAD का। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करता है, लेकिन दोस्तों ये आगे किसके हेड को ट्रांसफर कर देगा, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे है कि PCDA BR जो ऑफिस है हमारा DAD का, वो मंथली एक्सपेंडिचर फिगर बनाएगा, इसके साथ साथ फाइनल एक्सपेंडिचर फिगर भी बनाएगा। ठीक है, और किसको सेंड कर देगा, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स, मतलब इसका कोई अथॉरिटी होगी बड़ी। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर, जैसे हमारे PCDA CDA CGD होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे।
को भेज देगा ये सारे, और ये सारे प्राप्त करके वो क्या करेगा, टू इनेबल दैम, किसको इनेबल करेगा, इसको, टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मॉनिटर कर सकता है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, एफ नंबर पॉइंट में क्या है, सितंबर 2014 के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, द रिसिप्ट, ये क्वेश्चन ये है, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन आर अकाउंटेड टू द हेड्स ऑफ विच मिनिस्ट्री, जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है दोस्तों, हम कुछ सिविल मिनिस्ट्री की भी पेमेंट करते हैं, कुछ उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने बताया था, उसके अंदर कोस्ट गार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसका क्या बोल रहा है कि द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेड टू द हेड्स ऑफ विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री को हम करते हैं किसके फाइनल हेड में, BRO का दोस्तों आपने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, MORTH जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब दोस्तों आप कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन का देख लो, ठीक है, उसके अंदर भी सेम सवाल था कि किसके फाइनल हेड में करते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका आ जाए द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन आर अकाउंटेड फॉर बाय DAD डिपार्टमेंट टू द फाइनल हेड्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दोस्तों CBEC क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कोस्ट पे कौन होता है, एक्साइज एंड कस्टम के अंदर जो इंस्पेक्टर जो रहते हैं मेनली, उनकी वहीं पे वो रहता है काम। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड जो है दोस्तों वो इस मिनिस्ट्री को, हमारा रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हम करते हैं, हमारा DAD डिपार्टमेंट करता है, सिविल मिनिस्ट्रीज़ का। ठीक है, लेकिन ये फाइनली किसके अकाउंट में जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, इसके फाइनल हेड को अपने ट्रांसफर कर देंगे। ये बात याद होगी दोस्तों, बॉर्डर रोड की बात करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और दोस्तों जब कोस्ट गार्ड की बात आएगी तो फाइनली हम किसको कर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है, BRO की बात आएगी तो MORTH को करना है, कोस्ट गार्ड की बात आएगी तो MOF को करना है, BRO, MORTH, कोस्ट गार्ड, MOF, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी गई है, 2002-03 से कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के बजटरी रिक्वायरमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ग्रांट से। दोस्तों 2002-03 से पहले क्या होता था, जो कोस्ट गार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके जो बजट की रिक्वायरमेंट्स थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश करती थी, उसकी जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट थी वो पार्लियामेंट के अंदर करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ग्रांट से करती थी, लेकिन बाद में दोस्तों 2002-03 ऑनवर्ड से हमारे MODs को दे दिया गया ये जिम्मा, और इसके भी सिविल एस्टीमेट के अंदर हम डिमांड ऑफ ग्रांट इसकी करते हैं, राइट। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2002-03 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ग्रांट से MOD सिविल को दे दिया गया, लेकिन दोस्तों फाइनल हेड जो आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है। ठीक है, बस ओनली बजटरी रिक्वायरमेंट को ट्रांसफर किया है, फाइनल हेड तो उसी में एडजस्टमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के CBEC में। ठीक है, अब BRO का पूछ लूँ तो मैं MORTH को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और कोस्ट गार्ड के फाइनल हेड पूछ लूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का CBEC। ठीक है, 2003 से इसकी बजटरी रिक्वायरमेंट को ओनली ट्रांसफर किया है MOD के सिविल एस्टीमेट में। MOD सिविल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, MOD सिविल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन बनाता है MOD सिविल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट, CGDA। कौन बनाता है दोस्तों MOD सिविल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट, CGDA में कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फिगर्स को रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट होते हैं। MOD सिविल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कि CGDA साहब बनाते हैं, उसके एनुअल फिगर में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो है कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के रिफ्लेक्ट होते हैं। पेज नंबर 27 जो है दोस्तों अकाउंट कोड में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये चीज़ बताई गई है कि कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है MOD का सिविल का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर उसके फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। और MOD सिविल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है दोस्तों, CGDA साहब बोल दो या CGDA का ऑफिस बनाता है और इसके ऊपर साइन CGDA साहब करते हैं, राइट। BRO का दोस्तों फाइनल हेड कौन सा होगा, MORTH, MOF का सॉरी कोस्ट गार्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBEC। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे इसमें फ्रेंड्स जी नंबर में क्या दिया गया, ट्रांजेक्शन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज अराइजिंग इन द UK, जो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो डिफेंस सर्विसेज की ट्रांजेक्शन अराइज हो रही है जो एडजस्टेबल होनी है इंडिया के अंदर, वो दोस्तों पास कर दी जाती है इंडिया के अंदर थ्रू ILA इनवार्ड लंडन अकाउंट। UK के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है डिफेंस की, ठीक है, जिनको एडजस्ट करना है इंडिया के अंदर, वो पास कर दी जाती है ILA इनवार्ड लंडन अकाउंट एंड डेल्ट विद सेंट्रली बाई PCDA द न्यू दिल्ली। ये सारी दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली में डेल्ट की जाती है, ठीक है, क्या डेल्ट की जाती है, ट्रांजेक्शंस, राइट। और बाकी चैप्टर 9 में पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फॉरन ट्रांजेक्शंस के अंदर, उसके अंदर सारी बातें लिखी गई है। द मंथली अकाउंट ऑफ एच के अंदर क्या है, द मंथली अकाउंट ऑफ ईच प्रिंसिपल कंट्रोलर नॉट ओनली इंक्लूड ओनली रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट अराइजिंग इन हिज अकाउंट सर्किल बट ऑल्सो, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, द मंथली अकाउंट ऑफ ईच पर्सनल कंट्रोलर जो एक प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर है उसका जो मंथली अकाउंट है वो एकमात्र रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो उसके अकाउंटिंग सर्किल में, दोस्तों अकाउंटिंग सर्किल क्या होता है, मान लो PCDA सदन कमांड है उसका दोस्तों, उसको एक एरिया बांटा गया है, ठीक है, मान लो राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ गुजरात का हिस्सा, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, ठीक है। अब मान लो PCDA साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करो तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ राजस्थान का हिस्सा, कुछ पंजाब का हिस्सा, ठीक है, कुछ हरियाणा का हिस्सा, ठीक है। तो ये जो कमांड्स जो हैं उनको कुछ एक हिस्सा बांटा गया है तो जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग सर्कल, जिसके अंदर जिस क्षेत्र का इनको ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र की अकाउंटिंग करनी है, एक सर्कल बन गया उसका, ठीक है, इसका ही ध्यान नहीं रखता, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजंक्शन लगा हुआ दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि और किसका रखता है, देखिए आगे, एक PCDA CDA अपने अकाउंटिंग सर्किल में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनका भी ध्यान नहीं रखता अकेले का, बट ऑल्सो रिसिप्ट एंड चार्ज डिसबर्समेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों जहाँ पे चार्जेज लिखा मिल जाए आपको, डिसबर्समेंट लिखा मिल जाए, जहाँ एक्सपेंडिचर लिखा मिल जाए, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है,
राइट, जहाँ रिसिप्ट आ जाए, रेमिटेंसेज आ जाए, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। रिसिप्ट आ जाए, रेमिटेंसेज आ जाए, रिसीव्ड आ जाए, इस सभी का मतलब है रिसिप्ट करना, मतलब पैसा आपके पास आएगा। चार्जेज आ जाए, डिसबर्समेंट आ जाए और एक्सपेंडिचर आ जाए, इसका मतलब है कि पैसा आपके खाते से जाएगा। एक बार दोबारा सुनिए, कोई भी पीसीडीए सीडीए जो है ना, नॉट ओनली इसके अकाउंटिंग सर्कल की ट्रांजेक्शन को देखेंगे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखेंगे, बट ऑल्सो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है इन द यूके, वॉशिंगटन एंड अदर एम्बेसीज, रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम पीसीडीए न्यू दिल्ली। मतलब इस ये तो आप खुद का तो देखेंगे ही, जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन अराइज हो रही है यूनाइटेड किंगडम में, वॉशिंगटन डीसी में और दूसरी एम्बेसीज में, जो इनको पीसीडी सीडी को रिसीव होती है, इससे पीसीडी न्यू दिल्ली से, दैम का मतलब यहाँ रिसीव्ड दैम पीसीडी सीडी, इससे पीसीडी न्यू दिल्ली से, ठीक है। और ये कैसे सेटलमेंट करेंगे, इनको जो ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे होती है, दोस्तों पीसीडी न्यू दिल्ली एक कंट्रोलर है, एक पीसीडी सदन कमांड जो है दूसरा कंट्रोलर है, इनके बीच की ट्रांजेक्शन कैसे होगी, थ्रू एक्सचेंज अकाउंट, थ्रू एक्सचेंज अकाउंट, ठीक है, थ्रू डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट बोल सकते हो। दोस्तों बहुत ही इजी बातें हैं, खुद का ध्यान न रखे इनका भी ध्यान रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल जनरल वेलेजर कौन मेंटेन करता है। सेंट्रल जनरल वेलेजर दोस्तों एक प्रकार का खाता हो गया जो सेंट्रली सारी मिनिस्ट्रीज का बनता है, तो वो हमारे करते हैं सीजीए साहब, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए मेंटेन सेंट्रल जनरल वेलेजर फॉर सेंट्रल ट्रांजेक्शन विच इज लगाए हुए दोस्तों, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आर आएगा, बुक में अपडेट कर लीजिएगा, विच आर पोस्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ईच ईयर, सेंट्रल ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल अकाउंट्स ऑफिसेज इन इंडिया, सारे इंडिया के अकाउंट्स ऑफिसेज से, सारे इंडिया के, ये दिल्ली है ठीक है, सारे इंडिया के दोस्तों जितने भी अकाउंट्स ऑफिसेज हैं उनसे सारा जो डेटा आएगा वो कंपाइल करता है सीजीए, और उसको बोलते हैं सेंट्रल जनरल एंड लेजर बना लिया भाई ने, ठीक है, सेंट्रल जनरल एंड लेजर बना लिया, सारी जो ट्रांजेक्शन हुई, सारे जो इंडिया के ऑफिसेज हैं, अकाउंट्स ऑफिसेज हैं, सारी जगह से जो भी डेटा आया उसको कंपाइल कर लिया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, क्या है आगे फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन SCT, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन SCT की बात की गई है, इसकी डिफेंस सर्विसेज रिसीव्ड्स एंड चार्जेस, जो डिफेंस सर्विसेज के रिसीव्ड एंड चार्जेस हैं उनकी स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन बनानी है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ोगे, इस डायग्राम के बिना तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाली बात है नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले ये डायग्राम याद करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, बजट अप्रूवल हुआ पार्लियामेंट को, में पैसा मिला MOD को इसकी डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर, इसने आगे पैसे को DGFP डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग को दिया, जो आर्मी से रिलेटेड एक अथॉरिटी है बजट अलॉटमेंट की, ठीक है। तो इसने एक बजट अलॉटमेंट जितना उसको मान लो 2 लाख करोड़ हो गया, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए इसको मिल गया MOD का, तो ये क्या करेगा, 2 लाख करोड़ को एक लेटर इसका CDO को भेज देगा, फिर आगे कमांड में कोर डी फॉर्मेशन यूनिट लेवल तक इसको ट्रांसफर कर देगा कि भैया अपना अपना पैसा खर्च करो। दोस्तों यूनिट जो है, जो यूटिलाइजर है, मेन यूटिलाइजर यही रहती है, ये जो है एक्सपेंडिचर को क्लेम करेगी CDA से, ठीक है। जब सारी चीज़ें हो गई, मान लो 2 लाख करोड़ था यहाँ पे, 2 लाख करोड़ यहाँ पे खत्म होने वाला है 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर में, तो दोस्तों ये लास्ट में क्या करेगी, NCS करती है, न्यू कंपाइलेशन सिस्टम बनाएगी, एक्सपेंडिचर बुक करेगी और CGDA को रेफर कर देगी, ठीक है। CGDA दोस्तों यहाँ पे काम आता है SCT का, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन का, जो ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो एक कॉपी दोस्तों ये SCT की, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन की, DGADS को भेजी जाएगी, ठीक है, और एक दोस्तों SCT CGA को भेज देगी। अभी अगला जो बातें तीन लाइनें आएगी वो यही है, एक कॉपी DGADS को जाती है, वो आगे CAG को भेज देगा, वो फिर अभी रिपोर्ट में पार्लियामेंट वापस ही चक्कर चलता रहेगा, और एक कॉपी जो है दोस्तों SCT बना के CGA को भेजता है, और CGA जो है फाइनल एक्सपेंडिचर फिगर ले लेता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इसको बुक कर देता है सारी चीज़ों को, फिर लास्ट के अंदर एक तो MOD का गया, ऐसे ही सारी मिनिस्ट्री से आता होगा, तो उसके पास ही सेंट्रल जनरल और लेजर बनाता है, एनुअल कंसोलिडेटेड एनुअल फाइनेंस अकाउंट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो सारी प्रोसेस चलते रहते हैं। तो मेन तो आपको SCT देखना है यहाँ पे, तो देखिए SCT की एक कॉपी तो गई DGADS को, और दूसरी कॉपी गई दोस्तों CGA को। आगे चलिए देखें, आगे दिया हुआ है 25 के ए में, CGDA प्रिपेयर्स SCT, CGDA प्रिपेयर्स स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड MOD सिविल। पहला तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का बनाता है, CGDA प्रिपेयर करता है SCT, और दूसरा दोस्तों बनाता है MOD सिविल का। MOD सिविल के अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं, चैप्टर नंबर 1 पे जाओगे पेज नंबर 27 पे तो देखने को मिल जाएंगे। डिफेंस सर्विसेज का मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। दीज SCT आर रेंडर टू द CGA, CGA को जाती है, पिछले डायग्राम में देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, नई दिल्ली को, ऑन द डेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय देम, ये कोई डेट देते हैं पर्टिकुलर कि भैया हमें SCT भेज दो। एक कॉपी जाती है DGADS को, डायग्राम में देखा आपने, और ये ऑडिट सर्टिफिकेट लगाकर इसको पास कर देगा CGA को। मतलब यहाँ पे DGADS था, यहाँ पे कौन था, CGDA था, यहाँ पे SCT थी, और यहाँ पे SCT थी, और यहाँ पे कौन था दोस्तों, CGA। ये क्या बोल रहा है कि DGADS ऐसे भी एक चैनल है इनका, ऑडिट सर्टिफिकेट लगा के इसको भेजता है, ठीक है, देखता होगा, क्योंकि दोस्तों ये संवैधानिक जो CAG है वो संवैधानिक निकाय है एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है हमारे डिपार्टमेंट DGADS, वो CGA को भी तो पता लगना चाहिए कि भाई ये एक्सपेंडिचर जो SCT है ये मैच भी तो करेंगे। ऑडिट सर्टिफिकेट लगा दिया कि भाई मान लो 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ था, क्या आपके पास भी उतनी अमाउंट का SCT आया है, ठीक है, तो वेरीफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरीफिकेशन के लिए। अगले दोस्तों नोट दिया गया है, SCT एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर।
SCT क्या करता है दोस्तों, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोग्रेसिव इफेक्ट। प्रोग्रेसिव इफेक्ट दोस्तों क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव फिगर क्या होते हैं। मान लो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपये थे आपके खाते में, हेड में आपने 50,000 का खर्चा कर लिया, सॉरी 50,000 का क्या करोगे, 2 लाख करोड़ के अंदर 2 लाख ही मान लो आप इसको, लाख करोड़ में बात नहीं करते, मान लो 50,000 का खर्चा कर लिया, ठीक है, खर्चा कर लिया यहाँ पे, तो आपके खाते में कितने बचे, 1.5 लाख बराबर है। इसके बाद आपने 10,000 और निकाल लिए, फिर कितने बचे, 41, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे खर्चा होता जाएगा, तो ये सारे प्रोग्रेसिव फिगर होते हैं। मान लो 2 लाख रुपये थे तो पहले 10,000 खर्च किए, फिर इतने बचे, फिर खर्च किए, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फिगर, राइट। आप खुद से देख सकते हो इसको, एग्जाम्पल को, सैलरी मान लो जितनी भी मिलती है तो उसके मान लो 1 लाख रुपये से तनख्वाह है आपकी, राइट, उसके अंदर आपने पहले 10,000 खर्च कर दिए, फिर बैंक में क्या बताएगा, वो 90,000 बच के, फिर 10,000 खर्च कर दोगे 80,000, तो यही सेम चीज़ है इसके अंदर। द SCT इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर माइनर हेड वाइज डिटेल्स अंडर डिफरेंट माइनर हेड, इसको मेजर कर लो दोस्तों, मेजर आएगा। द SCT इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर माइनर हेड वाइज डिटेल, SCT के अंदर क्या है दोस्तों, माइनर हेड वाइज डिटेल रहती है, माइनर हेड से नीचे नहीं जाते, मतलब ये बोलने की बात है इसमें, क्योंकि दोस्तों ऊपर क्या मेजर है, सब मेजर है, माइनर है, सब हेड है, डिटेल हेड है, ऑब्जेक्ट हेड है, तो ओनली माइनर हेड तक की डिटेल इसमें होगी। अंडर डिफरेंट मेजर हेड कंसर्न शोइंग चार्ज एंड वोटेड एक्सपेंडिचर, अब दोस्तों चार्ट और वोटेड एक्सपेंडिचर की बात आ गई, तो दोस्तों एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि वोटेड एक्सपेंडिचर का मतलब है जिस पे पार्लियामेंट वोट कर सकती है, ठीक है। जो आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना था आर्टिकल 112 के बजट के अंदर, 114 का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना था, वो सारा वोटेड एक्सपेंडिचर ही था, ठीक है, जिस पे पार्लियामेंट वोटिंग करेगी, एक्सपेंडिचर जो होगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, वो सारा वोटेड एक्सपेंडिचर था, ठीक है। चार्ट एक्सपेंडिचर का मतलब है दोस्तों जिसमें पार्लियामेंट वोटिंग नहीं हो सकती, और दोस्तों जो कुछ फिक्स खर्चे हैं जो सरकार को करने हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं बारित खर्चे, इसको बारित खर्चे बोलते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों जजेज की सैलरी है, ठीक है, वो चार्ट एक्सपेंडिचर में आती है, प्रेसिडेंट की सैलरी है, वो चार्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और दोस्तों कोई कोर्ट डिग्री दे दे, कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया कि भाई फलां फलां इंसान को कोई पेनल्टी लगा दी किसी इंस्टीट्यूट पे, तो इतने 1 लाख रुपये उसको देने, तो वो चार्ट एक्सपेंडिचर, किसी ट्रिब्यूनल ने, मान लो कैट ने, कोई ट्रिब्यूनल ने कोई सुना दिया, फैसला सुना दिया, उसके अंदर ऐसा है कि पेमेंट करनी है आपको, तो वो दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब ऐसे खर्चे जो फिक्स हैं, जो करने ही हैं आपको, या तो कोर्ट निर्णय दे दे, ठीक है, या ट्रिब्यूनल निर्णय दे दे, या कोई हमारे जो कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस हैं, मान लो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो तनख्वाह है, ठीक है, कैग की जो तनख्वाह है, राष्ट्रपति की जो तनख्वाह है, वो दोस्तों वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है, उनके जो वेतन और भत्ते हैं, उनके पेंड अलाउंसेस है, उनको अगर कोई काट नहीं सकता, ठीक है, तो वो मतलब उसको स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे वो, इसलिए उनको दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर में किया गया है, मतलब वो भारित है, राइट। तो ऐसे समझिए दोस्तों, तो SCT के अंदर जो माइनर हेड वाइज डिटेल होगी किसी भी मेजर हेड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर चार्ट और वोटेड एक्सपेंडिचर सारी डिटेल्स उसके अंदर दी जाएगी। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनुअल फाइनेंस अकाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये कैसे, कौन कौन बनाता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, उसकी डिस्कस करेंगे अपने। पहले दोस्तों ये अगस्त 2016 में और सितंबर 2014 के पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, हु प्रिपेयर्स एंड साइंस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अप्रोप्रिएशन अकाउंट है दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का, कौन प्रिपेयर करता है और कौन साइन करता है, तो दोस्तों अपना नाम भूल जाओ, बट ये कभी मत भूलना, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपको आएंगे, 3 लाइनें आपको बताऊंगा, वो पेपर में जरूर देखने को मिलेगी, 3 स्टार मार्क कर लो इसको। द एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज, द एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द CGA आफ्टर क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों वो क्लोज हो जाने के बाद जो एनुअल फाइनेंस अकाउंट है कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिफेंस सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, वो दोस्तों CGA बनाएगा, ठीक है। और CGA की बात आती है तो दोस्तों आपको सेंट्रल जनरल और लेजर का भी ध्यान रखना है, राइट। और दोस्तों ये CGA जो है ये 1976 डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स के बाद इसे पद बना है, ठीक है, इससे पहले CGA नाम के कोई पद नहीं था, राइट। तो इससे पहले जो है CAG ये सारे काम करता था, ठीक है, इसके बाद 1976 के बाद CGA को दे दिया कि भाई पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस सर्विसेज को लेके आप अकाउंट्स बनाओ, एनुअल फाइनेंस अकाउंट बनाओ, और सेंट्रल जनरल और लेजर भी CGA बनाता है। आगे चलिए, आगे फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज आर प्रिपेयर्ड बाय FADS, जो डिफेंस सर्विसेज का अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन प्रिपेयर करता है, FADS, और साइन कौन करता है, डिफेंस सेक्रेटरी। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है डिफेंस सिविल का, MOD सिविल का और डिफेंस पेंशन का, वो कौन बनाता है, CGDA ऑफिस, और साइन कौन करता है, CGDA, ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों बातें। आगे चलिए, 3 लाइनें हैं, इनको याद रखना है। अगला है द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें दिया दोस्तों, द CGDA प्रिपेयर्स द पोर्शन ऑफ द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द डिफेंस सर्विसेज, CGDA जो दोस्तों प्रिपेयर करते हैं कंबाइंड फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट्स किससे रिलेटेड, डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड, एंड सबमिट्स इट टू द CGDA फॉर इनकॉर्पोरेशन, सबमिट्स इट टू द CGA फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द कंबाइंड फाइनेंस रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों CGA जो है वो ऑल इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो CGDA भी है दोस्तों जो अपना फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट है इसको सेंड कर देंगे, वो फिर उसको पूरे जो है ऑल इंडिया का जो कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन है अकाउंट्स का उसके अंदर उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब CGDA की बात आई तो दोस्तों कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। CGDA का द फॉर्म्स इन विच द अकाउंट शुड बी कैप्ट इन द ऑफिस ऑफ द DAD आर प्रेस्क्राइब्ड बाय CGDA, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी एंड FADS, चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कौन करता है, CGDA, प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ठीक है, ये कहाँ पढ़ा दोस्तों आपने, ओएम में पढ़ा था चैप्टर वन में, प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सिविल एस्टिमेट ऑफ एमओडी, अभी पढ़ा है आपने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारे दोस्तों। आगे चलिए, आगे है दोस्तों प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, राइट। दोस्तों ये चैप्टर नंबर टू यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, इसके रिलेटेड कुछ 5 एमसीक्यू मैंने लिए हैं, इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट है, फॉल अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके आर्टिकल लिखने हैं इन तीनों के। दूसरा है ऑल ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट्स बिटवीन द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर सेटल्ड ऑन विच बेसिस, ठीक है, ये आपको जवाब बताना है। ऑल इंडिया कंसोलिडेटेड कंपाइलेशन फॉर डिफेंस सर्विसेज रिसीप्ट स्टैंडर्ड चार्जेस प्रिपेयर्ड बाय, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु मेंटेन सेंट्रल जनरल एंड लेजर, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांजेक्शंस बिटवीन डिफेंस सर्विसेज एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स आर सेटल्ड बाय विच मोड, ठीक है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन के जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ, चैप्टर 2 दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।